गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बस यहाँ पे मेरे आज के व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से होके सीधा इवनिंग में होगी। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग में जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं वही लगा रही हूँ, और उसके बाद झाड़ू पोछा के बाद अपना जो नॉर्मल रूटीन होता है वो करूँगी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और टाइम शाम के 5 बज रहे हैं करेक्ट, तो मैंने फ़ैन ऑफ किया है, झाड़ू लगाने जा रही हूँ शाम की। वैसे तो सुबह से 2-3 बार झाड़ू लग चुकी है, क्योंकि नहीं बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा झाड़ू लगाओ फिर झड़ जाता है। और ना मैं पैरों के नीचे जब मिट्टी आती है ना, तो मेरे दांत ना मिस आते हैं। किसके साथ ऐसा होता है? अगर किसी के पैरों के नीचे मिट्टी जैसे आती है तो दांत अजीब से नहीं होते, तो मेरे साथ ये होता है। तो इसलिए मुझे झाड़ू बार बार लगानी पड़ती है, क्योंकि फिर मुझसे ना मतलब बता दिया ना, इरिटेशन सी मुझे होने लगती है। तो बस अब झाड़ू लगाने जा रही हूँ। आधे कपड़े मैंने उतार लिए हैं, जो देखो अब आपको दिखेगा क्योंकि मैंने फेस इधर कर लिया, और इस रस्सी पे रह गए हैं, तो इस रस्सी के अभी उतारूँगी। उतर के आधे उतार दिए हैं, यहाँ रख दिए हैं, और फिर कपड़ों का देखेंगे। पहले खाने के लिए मैं सोच रही हूँ दाल रख देती हूँ बनने के लिए कुकर में, क्योंकि कुकर में सीटी नहीं आ रही, तो उसके पास खड़े होके ही मुझे दाल वगैरह जो भी चीज़ बनानी पड़ रही है ना, उसके पास ही खड़े होके बनानी पड़ रही है, उसमें सीटी नहीं आ रही है। और कोई कुकर की मतलब जो ठीक करते हैं ना, कुकर वाले जो गली में घूमते हैं, वो भी नहीं आ रहा है। अगर वो आ जाए ना तो उसको ठीक तो करा ले कम से कम, पर अभी कोई नहीं आ रहा है। तब तक तो काम चलाना पड़ेगा। ऐसे ये कह रहे नया कुकर निकाल ले, पर मैं नया कुकर नहीं निकालना चाह रही अभी। मैंने कहा अभी इतने बर्तन हैं और मेरे पास प्रॉपर किचन नहीं है, तो बर्तनों को रखने की ना मेरे पास जगह नहीं हो पाती है कि कैसे अरेंज करूँ। एक वो रैक सा ही है, उसी में मैं जितने बर्तन हैं उतने कर लेती हूँ, और इस वजह से ये है। तो मैं इसलिए अभी नया कोई बर्तन नहीं निकालना चाहती। मैंने कहा अभी नहीं निकाल रही मैं कुछ भी, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, बाद में देखेंगे, कभी भगवान ने चाहा तो तब देखेंगे। तो बस इसलिए नहीं निकाला। तो चलती हूँ पहले किचन में, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और फिर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आपसे कहना चाहूँगी, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के आइकन को दबा दीजिएगा। अगर कोई कमी लगती है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो मैं यहाँ पर दाल ले ली है मैंने, और दूध हमारा बॉइल हो चुका है। मैं सोच रही हूँ उसमें उड़द की दाल भी डाल दूँ, मसूर की ना बनाऊँ खाली, उड़द और मसूर दोनों की मिक्स करके बना देती हूँ, है ना। थोड़ी सी मसूर भी ले लेती हूँ। निकालते हैं मसूर की दाल। यहाँ रखो यार, चीटियाँ तो बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। हाय रब्बा, ये देखो दाल मैंने निकाल ली है। तो दाल वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने दाल को पानी में भिगो के रख दिया है। तब तक मैं यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये सब चॉप कर लूँगी, और इनको मैंने वॉश कर लिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज 20 तारीख है जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, और ये 19 तारीख का व्लॉग है जो आप देख रहे हैं। और कल एकादशी का फास्ट है, कौन कौन एकादशी का फास्ट करने वाला है मैं इस व्लॉग में भी आपसे पूछ रही हूँ। वैसे आज के व्लॉग में भी मैं जो शूट कर रही हूँ
हूँ उसमें भी आपसे मैंने पूछा है, पर मैंने सोचा आज ये व्लॉग शूट जाएगा तो आज ही आप लोगों से पूछ लेती हूँ, और आप लोग कैसे करते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर बस मैंने कुकर वगैरह चढ़ा दिया है, उसमें तेल वगैरह डाल दिया। डिटेल में मैंने कुछ रेसिपी शेयर नहीं करी है क्योंकि दाल बनाना बहुत ईजी होता है, हर किसी को आती होगी। तो मैंने तेल में सब कुछ जीरा और हींग डालने के बाद प्याज और हरी मिर्च डाल दी, सूखे मसाले डाल दूंगी, और सारे मैं टमाटर की जो मैंने टमाटर कट किया है उसी पे सारे सूखे मसाले ले लूंगी, और फिर मैं टमाटर डाल दूंगी और उसको अच्छे से भून लूंगी। दाल में तड़का वगैरह लग चुका है, मैं ढक्कन लगा दिया है वैसे मैंने, और कुकर में मेरे में सीटी नहीं आएगी, आपके कुकर में सीटी आती है तो 2-3 सीटी में दाल बनके तैयार हो जाती है। और यहाँ पे साथ के साथ मैंने आटा मांड दिया, आटे को मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया, तब तक मैंने सोचा चलो बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद मैं रोटी वगैरह बना के छत पर चली जाऊँगी, और यकीन मानिए इतना प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही प्यारा। मैंने आपके साथ आगे क्लिप शेयर की है, आप पूरी क्लिप्स देखिएगा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। आपको कैसा लगा आप भी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। और जो सूरज जब ढल रहा था ना, छिप रहा था, तो जो वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना प्यारा लग रहा था, आप भी देखिए कैसा लग रहा था। देख रहे हैं ना आप कितना प्यारा मौसम लग रहा है, एक तरफ जहाँ बादल हो रहे हैं तो चांद भी निकल आया है, और इधर चांद निकल रहा है तो उधर सूरज भी छिप रहा है। ये नज़ारा देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा। वेलकम बैक, और टाइम हो रहा है 9:05। काम मेरा पूरा फिनिश हो चुका है, किचन का काम भी पूरा फिनिश हो चुका है, और बस जस्ट अब हम बैठे हैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करने के लिए। और ना मेरे ना आजकल व्लॉग थोड़े से अप एंड डाउन चल रहे हैं, पता नहीं क्यों आज का जो व्लॉग गया वो भी आज थोड़ा सा लेट हो गया यार, हो गया लेट क्या बताऊँ, हो गया। एक तो लाइट ने ना, सुबह मैंने मशीन लगा ली थी तो कपड़े धोने के चक्कर में रह गई मैं, और वीडियो एडिट नहीं कर पाई जिस वजह से, तो इस वजह से थोड़ा लेट वीडियो एडिट करी मैंने, और फिर वो 1 बजे तक गया। तो आप लोग मुझे बताएं कि यार मैं कहाँ पे कुछ कमी कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि इतना सब कुछ अपनी तरफ से जो भी एफर्ट मैं डाल सकती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ, करने को तो बहुत चीज़ें होती हैं, मैं करने को कर सकते हैं, पर मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना अपना 100% देने की व्लॉग में पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। मेरे पास सजेशंस भी आते हैं, उन सजेशंस को मैं कर सकती हूँ पर मैं किसी कारणवश नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मेरी उस मजबूरी को समझिएगा कि कोई ना कोई कारण ऐसा होगा जिस वजह से मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई कमी है मेरे व्लॉग्स में तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे और व्लॉग्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, नीचे लोगो बना रहा होगा, मोर बना हुआ होगा, उस लोगो पे आप उस लोगो पे क्लिक कीजिए या चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्या हुआ? कुछ नहीं, जा रहा हूँ। रहने दो रहने दो। बाइक लेके कहाँ जा रहे हो? मैंने कैमरा ऑफ किया था, इनसे मैं कुछ बात कर रही थी, इस वजह से मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। कहीं जा रहे थे ये, मैंने मना कर दिया कि रात को 9 बजे जाने की क्या ज़रूरत है। किसी के ना आजकल का देखो जमाना वो नहीं है कि तुम किसी की भलाई करने चलोगे ना तो उल्टे दो जूते तुम्हें ही पड़ने हैं। ये वाला आजकल का ज़माना है तो भलाई का कोई ज़माना नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ कि कहीं किसी की भलाई में बोलना बेकार ही है। कल को वो जिनसे वो लड़ भिड़ रहे हैं ना वो आपस में एक हो जाते हैं, और जो दूसरा किसी एक के सपोर्ट लेके बोल पड़ा कि हाँ भाई ये सही है तो वो तो समझ जाओ आप, वो बन गया फिर। मतलब सच में इतना ज़्यादा दुखी कर रखा है, कैसे मतलब कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। किसी की भलाई के लिए सोचो, किसी के लिए कुछ करो, उल्टी ना सीधी हम पे ही आ जाती है। इवन मैं बोल तो रही, मैं भी कर देती यार। मेरा ना नेचर ऐसा है कि अगर मेरे सामने कोई गलत हो रहा है ना तो मेरा ऐसे चुप नहीं रहा जाता, मैं बोल पड़ती हूँ। मैं इस आदत को बदलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ना बोला करूँ, कुछ ना बोला करूँ, मुझसे चुप नहीं रहा जाता अगर कुछ मेरे सामने गलत हो रहा हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो मेरे ही घर का मेम्बर क्यों ना, अगर वो गलत है ना तो मैं उसे ही गलत बोलूँगी। ये है आदत मेरी, इसलिए ना मैं थोड़ी सबकी नज़रों में बुरी बनी रहती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये है कि तुम गलत हो तो तुम गलत ही हो, तुम सही नहीं हो। अगर मैं गलत हूँ ना तो मैं अपने आप को गलत ही बोलूँगी कि हाँ मैं गलत ही हूँ। पर यही मेरे अंदर एक मुझे लगता है कमी है, जिस वजह से मैं किसी के साथ जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर पाती और गलत देख के मैं गलत बोल देती हूँ। मतलब गलत नहीं बोल देती हूँ, मतलब उसे गलत बोल देती हूँ कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, और अगर मुझसे कोई पूछेगा तो भाई हाँ गलत ही है। ये हाल है। अब ये कहीं जा रहे थे किसी के साथ, तो आज का यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो आपको क्या करना है पता है ना? क्या करना है? वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अगर कोई सजेशन है तो वो ज़रूर दीजिएगा। और गले में खराशती हो रही है मेरे, तो ये है। तो कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, नई होप, नई आशा, नई मांग और नई जर्नी के साथ। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपना फैमिली का ध्यान रखें। और आपसे कहना चाहूँगी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो करने, मतलब यहाँ सब्सक्राइब करने के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी है kritinaga14 करके, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरी आईडी पे पहुंच जाएंगे, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं डेली बेसिस पे तो आजकल नहीं हूं, पर अब रहूँगी, और जहाँ तक हो सकेगा मैं लाइव भी आने की कोशिश करूँगी। और सोचती हूँ इस वीडियो को एंड करने के बाद थोड़ी देर के लिए लाइव चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कोई कौन अटेंड करता है कौन नहीं करता, तो थोड़ी देर के लिए लाइव चलते हैं। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।